1500 रुपए में जादू, बात करते हैं इस परफ्यूम के बारे में इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज जिस परफ्यूम के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका कमेंट सेक्शन में मुझे काफ़ी बार रिक्वेस्ट आया था। इसका नाम है क्लब द नुई इंटेंस मैन। ये अरमाफ कंपनी ने बनाया है। क्लब द नुई एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है नाइट क्लब। वैसे रिव्यू शुरू करने से पहले बता दूं कि मैंने अपना रैक यहाँ पे मूव कर दिया है, तो जितने परफ्यूम इसमें हट सकते थे मैंने उसमें लगा दिए हैं। वैसे कुछ परफ्यूम मेरे बेड साइड टेबल में भी हैं और कुछ उस चेस्ट में भी हैं, और ऊपर भी आपको दिख सकते हैं कि कुछ हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे चल करके मैं आपको अपना कलेक्शन भी दिखाऊँ। वैसे अब बात करें इस परफ्यूम के बारे में, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि डजंट मैटर आप कौन सा बैच खरीदें। मेरा बैच देखें, ये ब्लैक एडमाइज़र के साथ है, और मैंने इसका पहले वाला भी बैच यूज़ किया है जिसका सिल्वर एडमाइज़र था। उससे मुझे कोई कुछ खास फ़र्क नहीं महसूस हुआ। मे बी 19-20 का फ़र्क होगा परफॉर्मेंस में, लेकिन अदरवाइज़ कुछ नहीं था। ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये रिव्यू जो है इसमें कंपैरिजन नहीं करूँगा मैं कि क्रीड एवेंटस से कितना ये कितना ज़्यादा सिमिलर है, क्या अच्छाई क्या बुराई। क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, क्रीड एवेंटस 25 से 30 हज़ार रुपये का परफ्यूम है, ये 1500 के अंदर आपको मिल जाता है। तो कंपैरिजन करने की अगर बात करें तो वो किसी और वीडियो में किया जा सकता है, वो करूँगा मैं डाउन द लाइन। बल्कि मैं और अच्छे क्लोन्स के बारे में बात करूँगा, क्योंकि इसके अलावा और भी कुछ कंपनीज़ हैं जो कि क्रीड एवेंटस के अच्छे क्लोन बनाती हैं। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस के बारे में, स्मेल के बारे में, और इसको कहाँ कहाँ आप लगा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर शुरुआत में सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि क्रीड एवेंटस का हिसाब किताब ये है कि एक बच्चा जो पूरे साल अच्छी पढ़ाई, बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी, उसने अच्छा परफॉर्म किया, और एक बच्चा जिसने उसको सिर्फ कॉपी कर लिया और वो अच्छा नंबर ले आया। तो इसके साथ वो हिसाब है। इसको जो प्यार मिलता है वो इसके कम दाम की वजह से, इसके अच्छे परफॉर्मेंस और इसके अच्छे स्मेल की वजह से। तो इसका बॉटल आपको दिखा दूँ मैं। बॉटल प्यारी सी है, बहुत टैकी नहीं है। नॉर्मली अरमाफ बहुत टैकी बॉटल्स बनाते हैं, लेकिन ये सिंपल है। इसमें बॉटल के कैप में नग लगा है, अंदर से देखिए कैसा है। इसके एडमाइज़र पे भी इन्होंने ब्रांडिंग कर रखी है, और सामने ये कॉइन जो क्लब द नुई का एक सिग्नेचर कॉइन है, इसमें नग है, यहाँ पे चेन है। मेरा मेड इन फ्रांस है, मेरे पास ये सामने ये भी पड़ा है। ये क्लब द नुई इंटेंस वुमेन है, देखिए सेम पैटर्न है, सेम स्ट्रक्चर है। तो ये ऐसा दिखता है। इसको चलिए स्प्रे कर लेते हैं। पहले स्ट्रिप पे कर लूँ स्प्रे, इसका देखूँ कहाँ पे है। इसमें मुझे एक चीज़ जो थोड़ी सी सही नहीं लगती कि एडमाइज़र का जो ये स्प्रे है ये भी ब्लैक है, तो मुझे लिटरली इसको देखना पड़ता है। और थोड़ा सा अगर लाइट कम हो रूम में तो बहुत बार ऐसा भी हुआ कि वो अपोजिट साइड में मैंने स्प्रे कर दिया और वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो चलिए इसको स्प्रे कर ले। इस पर अच्छा स्प्रेयर है, मतलब एटमाइज़र ठीक ठाक है इसके। आप लिक्विड को, स्प्रे को कंट्रोल कर सकते हैं, हाफ स्प्रे जा सकते हैं। मैंने इसको जब पहली बार ख़रीदा था तो मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी सरप्राइज था इससे, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि कोई कंपनी इस तरीके से इस दाम में कोई परफ्यूम को बना सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके नोट्स के बारे में। वैसे इसमें बता दूँ, इसमें काफ़ी ढेर सारे नोट्स हैं। इसमें बर्च है, इसमें लेमन है, इसमें पाइनएप्पल है, वनीला है, पचुली है, मस्क है, और इसमें रोज़ है। तो ये सब काफ़ी ढेर सारे इसमें नोट्स हैं, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट नोट है, जो आप इसको खोलते ही जो स्मेल करेंगे, वो है लेमन और पाइनएप्पल और मे बी एप्पल, थोड़ा थोड़ा आपको ग्रीन एप्पल भी का भी स्मेल आए, और बर्च भी बहुत प्रोमिनेंट है इसमें। तो चलिए, तो इसके स्मेल के बारे में अगर मैं आपसे बोलूं तो ओपनिंग थोड़ी सी हार्श है, थोड़ी सी आपको लगेगी कि जैसे लेमन थोड़ा उसमें हार्श आता है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। और जो पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल ओपनिंग में एकदम प्रोमिनेंट नहीं है। पाइनएप्पल क्या है कि वो जब ड्राई डाउन, इसका ड्राई डाउन बहुत खूबसूरत है, जो आधे से एक घंटे के बाद ये सूख करके आपके स्किन में जो के साथ जो रिएक्ट करके स्मेल करेगा,
बहुत खूबसूरत करेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि इसको मैं कभी भी लगाता हूँ, कहीं भी लगाता हूँ, और कॉम्प्लीमेंट के लिए तो मेरा ये ब्लाइंड पिक है। जिस तरीके से ब्लो द शनल है, मुझे कभी समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा ब्लू परफ्यूम पिक करूँ, उसी तरीके से ये परफ्यूम है। ये काफ़ी वर्सटाइल, इसको मैं कहूँगा ऑफिस के लिए एक बहुत ही अच्छा परफ्यूम है ये। तो स्मेल, इसकी ओपनिंग थोड़ी सी हार्श, लेकिन इसका ड्राई डाउन बहुत ही प्यारा, जो स्मोकी पाइनएप्पल है, हल्का हल्का, जैसे एक हल्का सा रोस्टेड पाइनएप्पल आप मान के चलिए, और उस तरीके से है। और जो उसका लेमन के साथ और बर्गमॉ के साथ, जो इसका, इसमें बर्गमॉ भी है वैसे, उसके साथ जो इसका एक कॉम्बिनेशन ब्लेंड बनेगा, बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड बनता है और बहुत रिच स्मेल है। यह आपको इतने कॉम्प्लीमेंट देगा। मुझे याद है पहली बार जब मैं इसको ऑफिस लगा के गया था, तो मेरी कुलीग, मतलब उसका रिएक्शन बहुत ही प्राइसलेस था। ये समझ लीजिए कि मैं अपने क्यूबिकल के पास चला गया, मैं बैठ गया अपने सीट में, और वो उसका ऐसा रिएक्शन था जैसे कि वो ढूंढ रही है कि What is this? Like उसने मुझसे पूछा कि what is that? तो मैंने कहा कि मतलब मैंने एक फ्रेगरेंस लाया, मतलब परफ्यूम लगाया है, तो उसने कहा कि that is amazing, वो बहुत ही अच्छा। तो मुझे याद है कि इसने उसको उस तरीके से मतलब उसको सरप्राइज किया था जैसे कि ये अचानक से एक ब्रीज आई है, वो इतनी फ्रेश, इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। तो उसने बड़ी बहुत ही अच्छा मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था इसके बारे में, इसको लेकर के। और आगे भी ऐसा बहुत बार हुआ, जब भी मैंने इसको लगाया है मुझे कॉम्प्लीमेंट ईजिली मिलता है। देखिए, इसके साथ एक क्या खासियत है, इसके साथ खासियत यह है कि अगर आप इसको स्प्रे कर रहे हैं अपने स्किन पे या फिर कपड़ों पे, तो ऐसा हो सकता है कि एक से डेढ़ घंटे के बाद आपको लगे कि शायद नहीं आप परफ्यूम को स्मेल कर पा रहे हैं, लेकिन ये आपके सराउंडिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जो भी नया इंसान आपके पास आएगा, आपके उसके एक से दो या दो फीट तक के रेंज में जो आएगा, वो इंसान इसको ईजिली स्मेल करेगा और कहेगा कि आपने कुछ बहुत अच्छा लगाया है। तो इसके साथ मैंने एक चीज़ ये पाई है कि इसका जो सियाज और इसका जो ट्रेल है, वो स्किन पे आप को महसूस होने से ज़्यादा दूसरों को महसूस होता है। तो एक चीज़ इसके साथ अच्छी है। और परफॉर्मेंस के बारे में बोलूँ तो ईज़िली आपके स्किन पे 7 से 8 घंटे आपको ये परफॉर्म करेगा। लॉन्जिविटी इसकी अच्छी है और प्रोजेक्ट 3 से 4 घंटे प्रोजेक्ट, सॉलिड प्रोजेक्ट भी करता है। मतलब इस दाम में ऐसा परफ्यूम मैं क्या बोलूँ, ये आपका ब्लाइंड बाय हो सकता है। तो अब अगर बात करें कि इसको कौन से एज के लोग लगा सकते हैं, तो 25+, इवन अगर आप कॉलेज में हैं तो लगा सकते हैं। ये एक फ्रेश सिट्रस विथ स्मोकी परफ्यूम है, कोई माइंड नहीं करेगा, लेकिन ये ऑफिस के लिए और ये किसी भी मीटिंग, इंटरव्यू और या फिर किसी भी गैदरिंग के लिए काफ़ी अच्छा परफ्यूम है। इवन अगर फैमिली गैदरिंग है, कोई फंक्शन है, पार्टी है, ईज़िली आप इसे लगा सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने सूट पहना है या फिर आपने कोई भी एथनिक वेयर पहना है, तो ये बहुत ही अच्छा आपको, मतलब आपके पर्सनालिटी को ग्रूम कर देगा इसका स्मेल, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टीरियस स्मेल है। थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि जो स्मोकीनेस है सिट्रस के साथ, मैं क्या कहूँ, मेरे पास डी कैन था क्रीड का, तो जब उसको मैंने पहली बार स्मेल किया था, तो देखिए होता क्या है ना कि ब्लू परफ्यूम जो होते हैं, जैसे कि सवाज है, YSL का वाई है, ब्लड शनल है, ये सब कैसे हैं, ये ब्लू कैटेगरी के परफ्यूम है ना ये, लेकिन जो इसका कॉम्बिनेशन है, इसमें सिट्रस और स्मोकीनेस, इसमें मस्की भी हल्का जो कम्बाइन किया है, वो एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ये इतना अलग बन जाता है। इसको ब्लू कैटेगरी में नहीं डाल सकते हम, लेकिन एट द सेम टाइम इसको बहुत ही रिच, बहुत ही एक यूनिक परफ्यूम की तरह देखा जा सकता है। अगर आप ने कभी क्रीड नहीं यूज़ किया है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इस परफ्यूम को। तो इसके बारे में अगर मैं और बोलूँ, तो ये कह सकता हूँ कि इस दाम में ये एक बहुत ही महंगा स्मेलिंग परफ्यूम है। तो अगर आपका बजट है, इस लॉकडाउन के बाद अगर आप कोई परफ्यूम ख़रीदना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिट्रस और स्मोकी जो इसका कंपोजिशन है, ये इसको काफ़ी वर्सटाइल बना देता है डिफरेंट मौसम के लिए भी। इसको आप गर्मी में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको फॉल थोड़ी थोड़ी ठंडी में भी यूज़ कर सकते हैं, इवन मैं इसको विंटर में भी लगाता हूँ, क्योंकि इसमें जो स्मोकीनेस है वो उसको थोड़ा सा वर्सटाइल बना देता है ठंडी के मौसम के लिए भी। और
इसको ड्रेस अप ड्रेस डाउन लिटरली कैजुअल पे भी आप कैरी कर सकते हैं, अगर आप ग्रोसरी लेने जा रहे हैं तब भी इसको लगा के जा सकते हैं, ईज़िली इसको कहीं भी लगाया जा सकता है, तो एक अच्छी बात है इस परफ्यूम के साथ। और मैं कहूँगा कि अरमाफ के मेरे पास कम से कम 10 से 11 परफ्यूम है और ये उनका सबसे बढ़िया मैं कहूँगा एक क्लोन है, क्योंकि अरमाफ नॉर्मली क्लोन ही बनाते हैं, तो ये सबसे अच्छे क्लोन में है। एक जो अभी मैं आगे चल के रिव्यू करने वाला हूँ वो लेगेसी है, वो काफ़ी अच्छा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो चलिए, ये था मेरा रिव्यू क्लब द नुए इंटेंस मेन का। कमेंट में मुझे बताइए कि और आपको कौन से रिव्यूज़ देखने हैं, कौन से कंपैरिजन देखने हैं और कैसा आपको लिस्ट देखना है, तो लेट मी नो। और प्लीज़ परफ्यूम ज्ञान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, ताकि YouTube थोड़ा इसे पुश करे, रिकमेंड करे और ये कम्युनिटी थोड़ी बड़ी बने। आगे चल के मैं गिव अवेज करने वाला हूँ, तो मेक श्योर करें आप सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मैं आपसे मिलूँगा अगली बार। नमस्कार।